साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। हर साल ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को गंगा दशहरा या गंगा वतरण भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये हमारी रिपोर्ट देखिए। जीवनदायिनी माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इस दिन जो भी श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी पापों कष्टों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन अगर आप घर या किसी मंदिर के पास एक अनार का पौधा लगाते हैं, तो पौधा लगाने के बाद उस जगह की मिट्टी को एक घड़े में डालकर उसमें गंगा जल डाल दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और उन्नति की स्थिति मजबूत होगी। धर्म आस्था की नगरी कहे जाने वाली प्रयागराज दशाश्वमेध घाट पर भी श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिलती है। प्रातःकाल से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही माँ गंगा से अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं। दशहरे का बहुत पावन पर्व, हम लोग यहाँ पर माँ गंगा के पूजन अर्चन और स्नान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए पूरे परिवार के साथ कि माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान कर। और एक बात और है, प्रयाग की गंगा जल का बहुत महत्व है, तो यहाँ से स्नान कर और माँ गंगा का पूजन अर्चन कर और विशेष पूजन अर्चन। महत्व ये है कि इसी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ और गंगा जल एक ऐसा पवित्र जल है। ये सिर्फ जल नहीं है बल्कि हमारा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। सारे पुण्य का फल मात्र गंगा दर्शन से प्राप्त हो जाता है। तो गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का अवतरण और इसीलिए हम सभी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। देखिए, गंगा दशहरा का महत्व सबसे बड़ा ये है कि यहाँ गंगा दशहरे पे लोग जिस प्रकार से अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं, उससे दो कार्य बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो उनकी आस्था को बल मिलता है और दूसरा हम गंगा में डुबकी लगा करके उस मोक्षदायिनी से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन सफल हो। प्रयाग में ये हमारा सौभाग्य है कि त्रिवेणी है और हम यहाँ स्नान करते हैं तो हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं और गंगा दशहरा दिन लोग उपवास रखते हैं, संकल्प लेते हैं, गंगा स्नान के बाद व्रत तोड़ते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन को फिर से पुनः लागू करते हैं। हमारा जो गंगा दशहरा का जो मेन पर्व होता है, मुख्य पर्व, इसमें हम सबसे बड़ा उल्लास हमारे जीवन भरता है और ये कहीं ना कहीं भगवान शिव की जो जटा से निकली गंगा है उसकी आराधना का दिवस होता है। हम उस अवतरण दिवस को मनाते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि पर आज गंगा का अवतरण हुआ था। ये माना जाता है कि, और ये मान्यता भी है कि आज के दिन जो भी श्रद्धालु गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाते हैं उनको सभी पापों का नाश होता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हम इसमें प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर हैं और ये कहा जाता है दशाश्वमेध घाट की मान्यता है, जो भी इस घाट पर श्रद्धापूर्वक आस्थापूर्वक माँ के यहाँ पे आके आस्था की डुबकी लगाता है, दान पुण्य करता है, उसको जरूर ही फल की प्राप्ति होती है। आज गंगा दशहरा का दिन है और मान्यता ये भी है कि भागीरथ ने यहाँ पर धरती पर पृथ्वी पर माँ गंगा को लाए थे, आज के ही दिन लाए थे और अपने जो उनके पूर्वज थे उनका उद्धार किया था। जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही प्रातःकाल से ही भक्तों की अपार भीड़ देखने को मिल रही है। घाटों पे संख्या देख सकते हैं कि जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे दान पुण्य कर रहे हैं और यहाँ सामने देख सकते हैं यहाँ पे माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित है, यहाँ पे यज्ञ कुंड देखा जा सकता है, यहाँ पे भगवान शिव की पूजा अर्चना चल रही है। तो जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भी, क्योंकि देखिए जिस ये भी मान्यता है कि जो गंगा अवतरण हुआ था तो इस 10 दिन यहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं, भक्तिमय प्रोग्राम चलते हैं, यज्ञ हवन अनुष्ठान चलते हैं और ख़ास तौर पे आज के दिन जो भी श्रद्धालु दान में अगर पंखा सत्तू
और मिट्टी के घड़े का दान करता है, उसका विशेष फल की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य चल रहा है। और यहाँ पे घाट की बात करें तो इतना अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है, इतना खूबसूरत देखने को मिल रहा है, इतना अलग ही छटा देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत सजाया गया हो यहाँ पर माँ का जो पंडाल है, जहाँ पर यह प्रतिमा है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत देखा जाए माँ की प्रतिमा को सजाया गया। और यहाँ पे कुछ बात करें, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे एक यहाँ श्रद्धालु, आज के दिन के क्या खास दिन माना जाता है, क्या महत्व है? आज दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष की दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। आज के ही दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। महाराज भागीरथ जी ने अपने 24,000 पुरखों की के उद्धार के लिए माँ गंगा के अवतरण के लिए तपस्या की थी, जिस पर माँ गंगा जी ब्रह्म कमंडल से निकल करके भगवान शिव के जटाओं में आए, और वहाँ से भगवान शिव ने अपनी जटा की एक लट खोल दी, जिससे माँ गंगा का अवतरण हुआ। और माँ गंगा वहाँ से सप्तधारा बन के निकली, और सप्तधारा से निकलने के बाद माँ गंगा जी हरिद्वार से लेकर के, गोमुख से लेकर के यहाँ तक, पूरा कलकत्ता तक जा कर के गंगा सागर में मिली हैं। और वहाँ पर भगीरथ के भगीरथ के पुरखों का उन्होंने तारण किया, और तत्पश्चात यहाँ आज के दिन माँ गंगा का जब अवतरण हुआ, तो माँ गंगा जी का अवतरण भगीरथ ने इसलिए यहाँ पे ले आए कि उनके, जिस तरीके से उनके पुरखों का यहाँ पे उद्धार हुआ, उसी तरीके से माँ गंगा में स्नान करने से सभी पाप, पूर्व जन्मों के सभी पाप का निवारण होता है। और इस तरीके से हम लोग हर वर्ष माँ गंगा का गंगा दशहरा मनाते हैं। 10 दिवसीय यह गंगा दशहरा हम लोग प्रथम तिथि से लेकर के दसवीं तिथि तक मनाते हैं। और माँ गंगा की इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और भक्तजन यहाँ आते हैं, और जो भक्तजन अपने मन उल्लास से जो भी कुछ करते हैं यहाँ पे, उनका यहाँ माँ गंगा जी का पूरा जो है, उससे सबको वैभव की प्राप्ति होती है। जिस तरीके से देख रखते हैं, यहाँ पर 10 दिनों तक गंगा की पूजा अर्चन अनुष्ठान चलता है। यहाँ पे भक्त के लोगों का यही कहना है कि 10 दिन तक यहाँ पूजा अनुष्ठान चलता है, और यहाँ पे जो भी आज के दिन श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाता है, दान पुण्य करता है, उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है। आशीष भट्ट, प्राइम टीवी, प्रयागराज। तो आज पूरे देश भर में गंगा दशहरा का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इस दिन लोगों का मानना है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि आखिर जो गंगा दशहरा है, इसका महत्व क्या है, और आखिर क्यों लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरो